बरेली उत्तर प्रदेश की एडिशनल एसपी मोहिनी पाठक बरेली मंडल के 3 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंची। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वो महिलाओं को डायल 112 के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने के लिए आई हैं और महिलाओं को बताएंगी कि डायल 112 का क्या उपयोग है। अगर कोई महिला रात में अकेली सड़क पर है, उसको कोई वाहन नहीं मिल रहा था, डायल 112 के द्वारा उसको ये सहायता मिल जाएगी और इसमें 2 महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी, वो उसके निवास तक पहुंचा कर आएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डायल 112 की उपयोगिताओं को और विस्तार करते हुए महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है। डायल 112 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बरेली बदायूं पीलीभीत के 3 दिवसीय दौरे पर एडिशनल एसपी मोहिनी पाठक अपनी टीम के साथ बरेली पहुंची है। डायल 112 की उपयोगिताओं को बढ़ाया जा रहा है। मेरा नाम मोहिनी पाठक है, मैं एडिशनल एसपी डायल 112 उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ और आज यहाँ मैं अपनी टीम के साथ में 3 दिवसीय पर आई हूँ पीलीभीत, शाहजहांपुर और बरेली के लिए। यहाँ पर हम नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन और प्रचार की जो सामग्री होती है हमारे पास में, स्टिकर्स हैं, पैम्फलेट है, पोस्टर्स हैं, उनके जरिए लोगों को, आम जनता को बताना चाहते हैं कि 112 की सेवाएं क्या क्या है और किन आपात स्थितियों में वो 112 की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस यहाँ पर है हमारी सवेरा योजना पर और हमारी नाइट स्कॉट योजना पर। सवेरा योजना हमारे बुजुर्गों के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है। 112 पे कॉल करके या वेबसाइट के थ्रू आप जो भी सीनियर सिटीजन से आपके घर में या आपके पड़ोस में जिनको आप जानते हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन 112 पे करवा सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि बीट कांस्टेबल से लेकर के हमारे स्टाफ तक सबको पता होता है कि इनकी स्पेसिफिक कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, क्या नीड्स है, कौन सी इनकी ज़रूरतें हैं जो ज़रूरत इनको अक्सर आती है। बीट कांस्टेबल भी हमारे जा करके, PRV हमारी जा करके हफ्ते में, 2 हफ्ते में जैसे भी उनको होता है, उनके घर का एक निरीक्षण करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो उनको एक रहता है कि हमारे साथ में पुलिस है, कोई है जो हमारी बात आपातकाल में सुन सकता है। दूसरी हमारी योजना है जिसका मैं प्रचार करना चाहती हूँ, वो है नाइट एस्कॉर्ट सर्विस। ये उन अकेली महिलाओं के लिए है जो रोड पर रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हैं और उनको कोई भी सवारी नहीं मिल रही है घर जाने के लिए, या जो उनका ऑफिस अगर नाइट की शिफ्ट है उसके लिए। वो 112 पे कॉल करेंगी तो एक महिला PRV आएगी, उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित बिना एक पैसा लिए लेकर जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।